टाइगर 3 मूवी के फर्स्ट सॉन्ग को लेकर आई एक बड़ी खबर। ये तीनों कलाकार देखने को मिलेंगे इस जबरदस्त सॉन्ग में। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान अपने बेटे के केस को निपटाने के बाद शाहरुख खान एक बार फिर से फिल्म के सेट पे पहुंच चुके हैं। बीते दिनों शाहरुख खान के कई पिक्स पठान के सेट से सामने आई थी, तो वही बताया जा रहा है कि वो सलमान खान की टाइगर 3 के लिए भी शूटिंग शुरू कर दिए हैं। टाइगर 3 में शाहरुख खान एक कैमियो रोल में नजर आएंगे। टाइगर 3 सलमान खान की सबसे ब्लॉकबस्टर सीरीज एक था टाइगर का तीसरा पार्ट है, जिसका इंतजार दर्शकों के बीच काफी लंबे टाइम से हो रहा है। तो वही इस बार शाहरुख खान इस मूवी में कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। मिड डे की ताजा रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान ने टाइगर 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। शाहरुख खान अगले 12 दिनों तक इस मूवी की शूटिंग में बिजी रहेंगे। टाइगर 3 की शूटिंग खत्म करने के बाद शाहरुख खान पठान की शूटिंग करने के लिए दीपिका पादुकोण के साथ विदेश के लिए उड़ान भरेंगे। तो वहीं बात करें टाइगर 3 की, तो खबर है कि इस मूवी में एक शानदार आइटम सॉन्ग भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ये आइटम सॉन्ग कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड में अपनी अदाओं से सभी को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस मॉडल नोरा फतेही दिखाई देंगी। जैसा कि अभी हाल ही में नोरा फतेही का एक जबरदस्त डांस सॉन्ग हमें देखने को मिला था, डांस मेरी रानी, जिसमें नोरा फतेही के गजब के डांस मूव हमें देखने को मिले थे। तो वहीं अब नोरा फतेही को टाइगर 3 में देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बताते चले दोस्तों कि टाइगर 3 को मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, जहां हमें इस मूवी में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ दिखाई देंगी। पर इस बार विलन के रूप में हमें दिखाई देने वाले हैं इमरान हाशमी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब सलमान और इमरान को एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा जाए, तो वही पहली बार इन दोनों कलाकारों को एक साथ देखना काफी इंटरेस्टिंग भरा रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड है टाइगर 3 मूवी और इस मूवी के आइटम सॉन्ग को देखने और सुनने के लिए कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे चटपटे गॉसिप न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल गॉसिप वाला को सब्सक्राइब भी कर लें।